न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए इसे सिर्फ राजनीति बताया। मंत्री यूनुस खान ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचाया। उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण, जल स्वावलंबन अभियान, परवन और गागरीन सिंचाई परियोजनाओं सहित किसान हित के बड़े कार्यों को गिनाया और कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने झालावाड़ जिले को विकास में पूरी तरह से पीछे धकेल दिया था। मंत्री यूनुस खान ने कांग्रेस की किसान यात्रा को प्रायश्चित यात्रा का नाम दिया और किसानों के सामने प्रायश्चित कर माफी मांगने की नसीहत दी। प्रेसवार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी और राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति चेयरमैन श्रीकृष्ण पाटीदार ने भी किसान यात्रा पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट को चेतावनी भी दी कि पहले पायलट अपना घर संभालें, झालावाड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का घर है, यहां की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी कोटा के अंदर कुछ दिन पहले अपना वो कार्यक्रम किया था ग्राम वाला, उसमें यहाँ से लाखों की संख्या में किसान गए और जो है यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जहां तक किसानों का सवाल है उनमें किसी भी तरीके का कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम उनके अंदर है, किसान तो साथ में मुझे दिखा नहीं, चार दिन से मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। एक चीज मुझे इस यात्रा में जरूर पड़ता जी नजर आई कि किसान तो नहीं आया, वो तो अलग इशू है क्योंकि वो तो बेचारा अपनी खेती में लगा हुआ है, जिनके डेकोसले जानता है कि जो मंत्री रहते हुए पांच साल नहीं आया, अब तो जो है अपने को साबित करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने जो दूरी बनाई है उनसे वो सोचनीय विषय है। आज एक भी आड़ोती का बड़ा लीडर, आज राजस्थान का एक भी बड़ा लीडर अगर ये गंभीर इश्यू होता वो भी किसानों के बीच में जाके चुनाव लड़ता है, एक भी बड़ा नेता आड़ोती लाइन के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं अपने को साबित करने के लिए लगे रहे।